पर 5 दिन के गणपति आते हैं, हर साल आते हैं। ये हमारा 6ठा साल है और 1 साल का गैप था हमारे गणपति का, क्योंकि 5 साल के बाद एक अंतराल के बाद फिर से रखते हैं और कभी भी घटाए नहीं जाते हैं। देन अगर 5 दिन के रखते हैं तो बढ़ा सकते हैं या 5 दिन का रख सकते हैं। अनुभव बहुत ही अच्छा था क्योंकि हम लोग क्या है ना, बहुत दिनचर्या में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। किसी तरह ये जो 5 दिन होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स वेर एवर दे आर इन द वर्ल्ड, दे मेक श्योर कि वो यहाँ पहुँच जाते हैं और दर्शन के लिए आते हैं, विसर्जन के लिए आते हैं। और कोई भी भेदभाव नहीं होता है। मेरे घर पर सलीम असगर अली जो कि एक मुस्लिम है वो भी आते हैं, और लवल प्रभु जो अपने शो डायरेक्टर हैं वो भी आते हैं, वो एक क्रिश्चियन है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हिंदुओं का त्यौहार माना जाता है। और जैसे कि अभी देश में एक खबर चल रही है कि एक मुस्लिम ने अपने घर पर गणपति को रखा है, तो बहुत ज़्यादा भेदभाव दिखाया जा रहा है। आई अग्री कि उनके रूल रेगुलेशंस होते हैं, नहीं रख सकते एक मूर्ति को भगवान के रूप में, नहीं मान सकते, बट कहीं ना कहीं एनर्जी तो सेम ही है ना। जो कुरान में लिखा है वही गीता में लिखा है ना, कि एटलीस्ट एक सही धर्म पे चलो, सही मार्ग पे चलो, अच्छी चीज़ों को अपनाओ, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो। तो जब हर धर्म में एक सारी चीज़ें बोली जाती हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई एक मुस्लिम घर पे, शाहरुख खान जी रखते हैं अपने घर पर, उनकी बीवी हिंदू हैं, तो इट्स नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम। ये जो त्यौहार है, जो ये फेस्टिविटी है, ये आई थिंक पूरे भारत का है, पूरे भारत वर्ष को मनाना चाहिए बिना किसी भेदभाव। सलमान खान के घर में पूरी फैमिली, हाँ जी एग्जैक्टली, सब लोग रखते हैं। तो या कितने कितने सालों से रखना स्टार्ट किया है आप? ये मैंने आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैंने सबसे पहले अपने गणपति 1 साल के लिए एक ही बार रखे थे। तो मुझे किसी ने समझाया कि यू हैव टू कीप इट फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ 5 ईयर्स। तो वो मुझे नहीं पता था, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो ग्रोइंग अप, मैं भी पहली बार कर रही थी। पर नव दुर्गे में बचपन से करती आ रही हूँ, हमारे पंजाब में जब मैं थी तो मैं अकेले पूरा दरी वरी बिछा के अखंड ज्योत लगा कर मैं अच्छे से 9 दिन का प्याज भी निकाल देती थी घर से, पूरे अच्छे से पूजा पाठ किया जाता था। बट फिर यहाँ महाराष्ट्र में आके देखा, यहाँ पे गणपति मनाया जाता है। तो हम 5 साल से 5 दिन के लिए ही गणपति रखते हैं और मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहती है इसकी। पंजाब में और यहाँ गणपति में कितना चेंज आपको लगा कि पंजाब में अलग और बहुत, कितना बहुत चेंज अंतर? यहाँ तो कुछ ज्यादा उत्साह। पंजाब में और यहाँ पे बहुत, मुंबई में बहुत अंतर है। क्या है, पंजाब में बहुत लिमिटेड हो जाती है कि हर कोई नहीं मनाता है। पंजाब में गणेश हमारे सबसे पहले मनाए जाने वाले प्रभु हैं, बट पंजाब में इतने लार्जर देन लाइफ नहीं मनाया जाता है, क्योंकि मुंबई का दूर दूर से आते हैं अपने अंधेरी चराजा, यू नो, सब 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 लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। वहाँ पे भी अभी थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है कि हर मोहल्ले में एटलीस्ट एक गणपति है। मोर ओवर आई फील पीपल स्टार्टेड ट्रीटिंग दिस एज अ स्टेटस सिंबल, कि चलो कुछ नहीं है तो हम यही कर लेते हैं। तो जो भी रीजन हो, मुझे तो ये लगता है चाहे घर में आए हैं, चाहे स्टेटस सिंबल की वजह से आए हैं, कहीं ना कहीं भगवान की पूजा आराधना हो रही है, विच इज अ वंडरफुल। बॉलीवुड की वजह से तो ज्यादा क्रेज नहीं है? बॉलीवुड की वजह से बहुत क्रेज है। बॉलीवुड में लाइक ऋतिक रोशन का वो गाना, मतलब वो देवा श्री गणेशा, वो पूरा साल कोई नहीं सुनेगा, पर जितना आपको अब सुनने को मिलेगा वो कभी नहीं मिलता है। और हम बचपन से देखते आ रहे हैं, कितनी सारी मुंडी वो होती थी, फिल्में शूट होती थी जिसमें गणपति के विसर्जन पे या तो मर्डर होता था, हाँ, या किसी की बहन उठा के लेके चले जाते थे, या फिर ड्रग्स की तस्करी होती थी, डॉन आता था, डॉन को पकड़ा जाता था, ही विल ऑलवेज कम फॉर द विसर्जन। तो ये बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है हमारे यू नो इन सब चीजों में, त्योहारों में उसको लार्जर देन लाइफ बनाने के लिए। एंड देन हमारे शाहरुख खान जी, सलमान खान जी, ऑल दीज आइडल्स दे कीपिंग गणपति। तो लोगों को लगता है जब इतना बड़ा स्टार हो किस रख रहे हैं तो हम क्यों नहीं, और ये अच्छा बढ़ावा है बॉलीवुड की तरफ से। पिछली बार आपने रखा था क्या मांगा था, क्या मिला? इस बार रखा है क्या मांगा है कुछ? तो मैं जेन्युइनली मैं कुछ नहीं मांगती हूँ पापा से, आपको हैरानी होगी, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ उनका धन्यवाद करती हूँ जो भी मुझे दिया है आज तक, पापा ने दिया है। और क्या है ना, इतना बुरा समय हम सब लोगों ने देखा है, अभी भी बॉलीवुड सफ़र कर रहा है कोविड की वजह से।
तो अभी भी बहुत लॉस चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वी ऑल आर थैंकफुल, मैं तो हमेशा धन्यवाद करती हूँ कि हमें हमारी सेहत दी है, अच्छा काम दिया है, अच्छी सद्बुद्धि दी, अच्छी संगत दी है और एक नाम बनाया है और मेहनत करने का एक जरिया दिया है। तो मैं कभी नहीं मानती हूँ, मैं हमेशा सिर्फ थैंक यू करती हूँ क्योंकि धन्यवाद करने से ही वो सब मिल जाता है। बप्पा है, बप्पा के भंडार भरे रहते हैं सबके लिए। तो फिर मांगा क्यों नहीं, मांगती ज्यादा मिल जाए क्योंकि सब मुझे ऑलरेडी मिल जाता है। गुड फिल्म्स आई एम डूइंग दिस जियो ओटीटी का वेब सीरीज जो कि मिलन लुथरिया सर डायरेक्ट कर रहे हैं, उसका नाम है सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। तो उसका वेब सीरीज का अभी शूट चल रहा है, फरवरी तक रहेगा। तो ये मैंने मांगा नहीं है, ये आई गॉट इट कि आ गया है मुझे जैसे ही ऑडिशन दिया सारी चीजें हुई। तो दिस इज अ ब्लेसिंग, लाइक ऑलरेडी यू आर गोइंग वन नॉच अप एंड मिलन लुथरिया सर लाइक डर्टी पिक्चर शूट आउट एंड लोखंडवाला कितनी सारी फिल्में बनाई है। मेरा दूसरा प्रोजेक्ट बॉम्बे आ रहा है, तो तुझे लगता है मुझे कुछ मांगने की जरूरत है? ऑलरेडी सब बिन मांगे मिल रहा है, तो मांग के उनको और काम नहीं बढ़ाना चाहिए। क्या होता है ना, जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो आप मुझे वही चीज देंगे। तो भगवान को कभी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, भगवान मुझे घर दे दो तो वो सिर्फ घर ही देंगे। तुम बोलो बस थैंक यू, जो खुशियां दे रहे हो, जो दिया है वो बहुत है, काफी है, मेरी औकात से बाहर है, राइट? तो उसके बजाय भगवान कहते इसको सब ही दे। तो मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ और स्मार्ट। अभी और क्या क्या चल रहा है रिसेंटली, कोई प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे बॉलीवुड से रिलेटेड? अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि मिलन लुथरिया सर की निर्देशक में डायरेक्शन में हम लोग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली कर रहे हैं, उसमें ताहिर वसीम भी हैं और ऑलरेडी मिलन सर का नाम भी काफ़ी है और जियो इज कमिंग अप विद द न्यू ओटीटी, तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड प्रोजेक्ट। एंड देन में अनदर मूवी इज देयर कॉल्ड बॉम्बे, और बॉम्बे में इट्स लाइक वी आर शोइंग 1992 का बॉम्बे वेयर द अंडरवर्ल्ड इज लाइक इफेक्टेड, बॉम्बे इज इफेक्टेड बाई अंडरवर्ल्ड। तो उसमें कैसे मैं एक बार डांसर से कैसे एक देश की रक्षा करती हूँ और कैसे बचाती हूँ, इट्स अ स्टोरी अबाउट दैट। इसमें मेरे साथ जो हीरो हैं वो हैं दानिश भट्ट हैं, गैवी चहल हैं, दानिश भट्ट और गैवी चहल अपने टाइगर सीरीज के हीरोज हैं जो सलमान खान जी के साथ ऑलरेडी काफ़ी हीरो बनती कर चुके हैं, बागी 3 कर चुके हैं, तो वो मेरे हीरो हैं। संजय निरंजन के निर्देशक में ये फिल्म बनाई जा रही है, इसकी भी होपफुली एक्सपेक्टेशंस हमारी नेक्स्ट ईयर रिलीज की है। इस तरह का जो अभी आपने बताया कि पूरे देश की जिम्मेदारी बचाना, इस तरह की जिम्मेदारी, इस तरह के कैरेक्टर को निभाना कितना कठिन है और कितना सीखना पड़ता है, कुछ प्रिपेयर कुछ? हाँ, बहुत कुछ बहुत बड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। क्योंकि जब तुम एक देश को बचाने का या कोई ऑफिसर का कुछ भी ऐसा रोल करते हो तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में दिखना चाहिए और वो तुम्हारी दिस हैज टू कम थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज, योर ऑरा, योर डायलॉग डिलीवरी की ये तुम जो कह रहे हो तुम्हारा बॉडी भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। और तैयारियां बहुत होती हैं, हमारी एक्शन की ट्रेनिंग हुई थी, अभी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली के लिए हमारा एक्शन शुरू हो जाएगा फिर से। तो मज़ा बहुत आता है ऐसे मार पिटाई करने में, बचपन से मैं बहुत मार पिटाई करती थी, मैं गमले वमले मार के ना शीशे तोड़ देती थी लोगों की गाड़ियों के। आपका वैसे फेस लग भी रहा है आईएसआर। थैंक यू। बाकी वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या कैसे मैं देश को बचाती हूँ, कैसे प्लांट करती है सरकार मुझे दाऊद के आसपास, ओरिजिनल दाऊद नहीं तो उसको तो 25 लाख है उस पर इनाम ओरिजिनल। ये हमारे जो गैवी चहल हैं ही इज प्लेइंग द नेगेटिव लीड, चंगेज खान का नाम दिया गया है उनको। तो बट इट्स वेरी मच फन क्योंकि हम लोग एक दिन में जो शूट करते हैं, एक्शन हो चाहे वो रोमांटिक सीन्स हो या वो बहुत इमोशनल सीन्स हो, क्योंकि मैं एक बहुत स्मॉल टाउन से आती है वो लड़की, और वो लड़की अपना घर चलाने के लिए शी इज डूइंग लाइक शी इज अ बार डांसर एंड शी इज डूइंग एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें हम मतलब हम एक दिन में आई थिंक 13 से 14 सीन शूट कर लेते हैं, जो कि एक फिल्म में नहीं होता है। एक फिल्म में 1 या 2 या 4 सीन होते हैं, आप भी थे आपको पता है कि हम बिना सोए हम काम कर लेते हैं, इतना रिलैक्सेशन रहता है। बट तैयारी बहुत करनी पड़ती है इन सब चीज़ों के लिए, और वेट का भी बहुत ऊपर नीचे होता है। अभी आपको 9 kg जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन पर्टिकुलर थिंग कि हमारा एक लुक है, क्योंकि तभी वो ट्रांजिशन दिखाया जाएगा एक बैड आंसर का और एक यू नो देश को बचाने वाली लड़की का। इसकी शूटिंग अभी कब से स्टार्ट होगी कुछ? अभी इसकी शूटिंग अक्टूबर में शुरू हो जाएगी, सितंबर में तो कुछ भी नहीं है बिकॉज ऑफ गणपति एंड एवरीवन इज आउट एंड ट्रैवलिंग।
तो सितंबर पूरा नहीं है और सितंबर एंड से मेरी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली का एक्शन शुरू हो जाएगा जो कि हम लोग अक्टूबर से शुरू करेंगे। मुंडे जी आपका सर आ रहा है। हाँ मुंडे जी। उसमें क्या है हम लोग 1960 का एरा दिखा रहे हैं जिसमें आई बी द एयर होस्टेस एंड हाउ द स्मगल, तो वो उसके बारे में है। तो क्या रहता है ना, ऐसी जब 1960 का एरा दिखाना होता है तो बहुत सारी लोकेशंस के लिए बहुत मेहनत लगती है। अभी तो हमने जो एयरक्राफ्ट का सीन है वो पॉलीटेक्निक कॉलेज में किया था, बट उनको कहीं ना कहीं वो 1960 की एरा की चीज़ें दिखाने के लिए वो रेकी कर रहे हैं। इसीलिए हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारे चार चार पाँच पाँच दिन के शूट होते हैं और फिर अभी फरवरी तक शूट ख़त्म हो जाएगा इसका। हो ये OTT और वेब सीरीज से आपको लगता है कि आर्टिस्टों के लिए और स्कोप ज़्यादा खुल गया है बहुत? एब्सोल्युटली, पीपल लाइक हु डोंट गेट द चांस, जिनको मौका नहीं मिलता है बड़ी फीचर फिल्म करने का या अपना टैलेंट शोकेस करने का, एटलीस्ट क्या होता है ऐसी छोटी छोटी वेब सीरीज छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पर आकर उन लोगों को गेटवे मिल जाता है कि वो अपना टैलेंट लोगों को दिखा सकते हैं और बाकी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को भी उन पे एक भरोसा हो जाता है कि ये लड़का या लड़की दे कैन पुल इट ऑफ इजीली। और OTT बहुत शॉर्ट टाइम स्पैन का वो है कि आज आती है वेब सीरीज कल आप भूल भी जाते हो, बट कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट ज़रूर देकर जाती है जिससे क्या है सब लोगों को एटलीस्ट एक बार मौका मिलता है अपना टैलेंट शोकेस करने का। आखिरी सवाल चलते चलते गणपति बाबा आपके सामने है, कौन सा ऐसा कैरेक्टर करना चाहती हैं आप अगर आपको मौका मिले आपकी चॉइस कि मैं इस कैरेक्टर को निभाना चाहती हूँ और पब्लिक तक पहुँचाना चाहती हूँ कोई मैसेज के जरिए, वो अगले साल तक गणपति बाबा आप बता रहे तो वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे जो मेरा मन पसंद कैरेक्टर जो लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे ना किरण बेदी जी का एक बायोपिक करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दैट लेडी हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट। 144 धारा चंडीगढ़ में उसने जो लोगों को मारा है, लड़कों को मारा है, मतलब नॉट बिकॉज की वो पावर में है, बिकॉज तुम गलती तो करो किरण बेदी, मतलब इट वॉज अ खौफ, इट्स स्टिल अ खौफ। तो आई थिंक किरण बेदी की बायोपिक करना चाहूँगी। कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसके साथ में आप काम करना चाहें, आपकी ख्वाहिश है? ऑल ऑफ देम यार, ऑल द खान्स, ऑल द कपूर्स, ऑल द भट्स, ऑल एवरीवन। So I don't know, I don't want to pick anyone, I want to work with multi-starer cast, bade se aise Farah Khan types। अक्षिता, लेकिन आपकी जो जर्नी है मतलब मॉडल से एक्ट्रेस, तो थोड़ा सा बता दें कि कुछ ब्रीफ कर दें। मैंने अपना जो करियर शुरू किया था वो 2010 में शुरू किया था फ्रॉम द पैजेंट कॉल आई एम शी, अगर आप लोगों को याद होगा सुष्मिता सेन का पैजेंट था वो फॉर मिस यूनिवर्स। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड फ्रॉम चंडीगढ़, आई केम हियर, तो वहाँ से मैंने एक के बाद एक पैजेंट्स किए लाइक आई एम शी, किंगफिशर कैलेंडर, फेमिना मिस इंडिया, और slowly I diverted myself towards acting, I changed my path towards acting, तो धीरे धीरे acting serials, TV, commercial, ramp shows बहुत किए हैं और अभी full-fledged web series acting हो रही है। but कहीं ना कहीं I have one thing in mind, I was just talking to you guys पहले कि हम लोग चंडीगढ़ जाकर अभी एक मॉडलिंग एजेंसी खोलना चाहते, इनर एजेंसी मॉडलिंग स्कूल खोलना, एकेडमी खोलना चाहते हैं मैं और लवल प्रभु, जिसके लिए हम बहुत, इसीलिए मैं चंडीगढ़ भी जा रही हूँ अभी। तो वेरी सून यू विल गेट टू हियर ऑल द बिग न्यूज़ कमिंग अप, क्योंकि जो टैलेंट आई हैव गॉट फ्रॉम बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल इन द फ्रॉम द इंडस्ट्री आई गॉट, आई वांट टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी, आई वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। सो दैट क्या है ना, चंडीगढ़ में लोग, बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी बेटी को, जब से सुशांत सिंह और ये सब मर्डर सुसाइड केस हुए, तो उनको लगता है हम अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं बॉम्बे, तो उसकी वजह से वी आर ब्रिंगिंग बॉम्बे टू यू। सो वेरी सून यू विल गेट टू हियर दिस न्यू वेंचर कमिंग अप एंड आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रनिंग दिस ऐप विच आई रन। सो माई जर्नी हैज बिकम लाइक फ्रॉम अ मॉडल टू अ एक्टर टू अ एंटरप्रेन्योर नाउ। सो आई रन माई ओन ऐप नाउ वेर आई सेल आउट ऑल माई एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट एंड एवरीथिंग, सो विच इज गोइंग ग्रेट। तो इट्स नॉट ओनली द ऐप वेर यू विल सी ओनली माई पिक्चर्स, लाइक आई एम देयर फॉर समवन 2 o'clock in the morning, the person who is going through depression, जिसका breakup हो गया है, जिसका office से निकाल दिया है, parents नहीं मान रहे हैं, मोटापा हो गया है, तो वो लोगों के लिए I am right there, like I'll talk to him because everyone wants to be heard.
सबको सुनना बहुत पसंद है क्योंकि कोई सुनता नहीं है तुम्हारी, तो इस वजह से आई एम जस्ट नॉट बीइंग देयर फॉर देम एज अ गुड लुकिंग मॉडल, आई एम बीइंग देयर एज अ कॉन्फिडेंट, मतलब मैं उनका एक सहयोगी साथ ही हूँ, यू कैन से. तो आई टेल देम कि आप लूज करो वेट, 3 महीने में आई मीट यू, और आई हैव सीन अ ट्रांसफॉर्मेशन. इट्स नॉट कि सिर्फ एक वो अच्छी बिकिनी पिक्चर देखने आते हैं, वो रियली दे वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी एंड आई कॉल देम माई सुपर फैंस एंड इट्स गोइंग ग्रेट. पापा'स ब्लेसिंग इज देयर, तो मुझे कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है पापा से. चलते चलते दर्शकों से क्या अपील करेंगी और गणपति की क्या विशेष देंगी? दर्शकों से मैं यही अपील करूंगी कि कुछ भी हो जाए दिन में एक 5 मिनट निकाल कर जस्ट थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग. अब एक बार शुक्रिया अदा तो कीजिए, फिर देखिए आपको क्या क्या नहीं मिलता है, राइट? और गणपति बापा आए हैं बिना भेदभाव के, किसी को नीचा दिखाए कुछ किए, इस उत्सव का आनंद उठाइए. और गणपति बापा मोरिया, भगवान करे हम सब की लाइफ में बहुत बहुत अच्छा काम आ जाए, अच्छी चीजें आ जाए, हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए और हमारा बहुत सारा नाम हो जाए. थैंक यू सो मच भगवान के मेरे. और इस अवसर पे मैं सारे मीडिया भाई को मेरी शुभकामनाएं देता हूँ, उनका अच्छा बिजनेस हो, उनको सुख शांति मिले. और मेरी जिगरी दोस्त अक्षिता के लिए शुभकामनाएं, उसकी ज़िंदगी के हर ड्रीम पूरे हो. वो भगवान की इतनी बड़ी सेवक है, इसलिए मैं इस का लाभ लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं आता हूँ. भंडारी जी, पिछले 5 सालों से उनकी एक ही ड्यूटी रहती है, ये जो आप टोकरी देख रहे हैं, ये भगवान जी को जब विसर्जन होता है तो भंडारी जी फूल आगे बिछाते हुए जाते हैं ताकि पापा जल्दी से वापस आ सके. तो ये हम हर साल इनको कहते हैं कि पापा बुला रहे हैं तो आप पहुंच जाइए. तो भंडारी जी कहीं भी रहेंगे, आई थिंक गणपति विसर्जन पे लॉकडाउन के अंदर भी आए थे. नो मैटर, हमारे अलाउड नहीं था, 3-4 लोग अलाउड थे, कहते मैं तो आऊंगा क्योंकि वो फूलों का ड्यूटी है. तो ऐसे ही भगवान इन पे फूलों की वर्षा करते रहे और अच्छा अच्छा काम करते रहे और इनका नाम और रोशन करते. थैंक यू सो मच गाइस.